Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So as you know, in our previous video, we have discussed about line chart. और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारा बायोग्राफ इन वन वीडियो, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमारा हिस्टोग्राम भी करेंगे। तो इन तीन वीडियोस में आपका जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कम ऑन स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से सबसे पहला काम दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ इसको अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ पर आपके फ्रेंड्स हो, सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज़ बार ग्राफ। देखो, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन, राइट? डेटा विजुअलाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास डेटा है को रिप्रेजेंट करना पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में। इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने वो जो भी डेटा था हमारा उसको हमने लाइन ग्राफ के थ्रू प्लॉट किया था। अब हम करेंगे हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ में देखो, मैं आपको आइडिया दे दूं कि किस टाइप से दिखता है। यहाँ पे आपके कुछ एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस होते हैं, इस टाइप से आपका बार ग्राफ होता है, या बार चार्ट भी कह सकते हो, बोथ आर करेक्ट। अब बार ग्राफ की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? देखो, जब हमारे पास लाइन चार्ट था ना, तो वो आपको ग्रोथ और डिक्लाइन बताता था। मीन्स मेरी वैल्यू कहाँ पर इंक्रीज हुई है, कहाँ पर डिक्रीज हो रही है, राइट? अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो वो मैं इजीली लाइन ग्राफ के थ्रू या फिर लाइन चार्ट के थ्रू नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, सी दिस, ये फिगर आपको दिख रही है, इसमें मुझे ये पता लग रहा है कि यहाँ 80 से लेकर के यहाँ तक इतनी डिक्लाइन हुई है वैल्यू, फिर एकदम से जंप हो गया, ग्रोथ हो गई, बढ़ गई, या फिर यहाँ पर फिर डिक्रीज हो गई, राइट? बट मैं कंपैरिजन इजीली नहीं कर पा रही। अगर वहीं अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो मुझे पता लग रहा है यहाँ पर इतना था, ये इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया वो भी मुझे पता लग गया, राइट? सो इन ऑर्डर टू शो कंपैरिजन वी प्रेफर बार चार्ट। अ बार चार्ट और बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट। ये बार्स होते हैं, इनको हम बार कहते हैं। ये आपके डिफरेंट हाइट के भी हो सकते हैं, सेम हाइट के भी हो सकते हैं, जनरली डिफरेंट होते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अ बार चार्ट कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है? आपके जो बार चार्ट्स हैं वो इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लस आगे हम पढ़ेंगे आपके ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब लाइन चार्ट के लिए मेरे पास प्लॉट फंक्शन था, बार ग्राफ के लिए मेरे पास बार फंक्शन है, हिस्टोग्राम के लिए हिस्टी फंक्शन है, HIST, राइट? तो पाई प्लॉट ऑफर्स बार फंक्शन। अगर मुझे बार ग्राफ क्रिएट करना है, इसमें मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। जो आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस की वैल्यूज को, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा दैट विल रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। आपको एक चीज़ ध्यान है कि लाइन ग्राफ में अगर हमारे पास क्या आता है कि अगर मैं एक ही आर्ग्यूमेंट देती हूँ तो बाई डिफॉल्ट एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ले लेता था, और वाई एक्सिस जो हम एक आर्ग्यूमेंट देते थे उसको वाई एक्सिस की वैल्यू लेता था। बट बार चार्ट में ऐसा नहीं है। बार चार्ट में क्या करेंगे, हम दो वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे हमारे बार फंक्शन में। फर्स्ट वन वाली आपकी होगी एक्स एक्सिस के लिए, और सेकेंड वन वाली वाई एक्सिस के लिए, ठीक है? चलिए फटाफट से एक बार ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएं। मैंने यहाँ पर अपना पाई चार्ट ओपन करा है, आप चाहो तो इसको आइडियली में भी कर सकते हो, कोडिंग आउटपुट सब सेम रहे, राइट? यहाँ पर सबसे पहले हम इम्पोर्ट करेंगे हमारा मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट को ले लेंगे, एज करके हमने इसका एक अलायंस दे दिया PLT, राइट? अब लेट्स सपोज मैंने देखना है किस ईयर में मेरे पास लाइक एवरेज सेल्स कितनी थी, ठीक है? तो मैंने एक तो लिया ईयर, ये इसको मैं एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूँगी, आप चाहो तो यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस, राइट? तो यहाँ पर हमने ले लिया 2020, 2021, 2022, 2023, ये 4 ईयर्स ले लिए, ठीक है? इसके बाद मैंने यहाँ पर एवरेज सेल्स ले ली है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50, 60, 40 एंड 55, लेट सपोज, ठीक है? यहाँ जितने आर्ग्यूमेंट्स मीन्स वैल्यूज यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, इतनी ही मैं यहाँ पर लूँगी 1, 2, 3, 4। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, PLT डॉट कौन सा फंक्शन है, बार फंक्शन। बार फंक्शन में मैं यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर दूँ, ईयर कॉमा सेल्स। ईयर आपका एक्स एक्सिस पर प्लॉट होगा और सेल्स आपका वाई एक्सिस, और फिर मैं यहाँ पर PLT डॉट क्या कर दूँ, शो कर दूँ, राइट? तो जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कैन सी योर आउटपुट, ये मेरे पास आउटपुट आ गया,
अब आपको एक दो बार हम समझा देते हैं कि ये आउटपुट किस तरीके से आया। ठीक है, वैसे देखो मैथ्स में तो आप लोग खुद से प्लॉट करते हो कि एक्स की वैल्यू 2020 है, वाई की वैल्यू ये है, और वो प्लॉट कर देते। ठीक है, इसने मुझे यहाँ पर खुद से प्लॉट करके दे दिया, बट हाँ समझ भी आना चाहिए कि इसने प्लॉट किस तरीके से करा है। सो यहाँ पर हम यही देखें, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पहले क्या है, 2020 पर फर्स्ट वाई की वैल्यू क्या है, 50। तो यहाँ पर देखो उसने 10, 20, 30, 40, 50, 60 की वैल्यूज ले ली। तो 2020 पर ये 50 वाली वैल्यू के लिए हो गया, 21 पे 60 हो गया, राइट, 22 पर 40 हो गया, और 23 पर 55 ये 50 और 60 की, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो रही है, प्लॉटिंग, ये आपका सिंपल बार ग्राफ बन गया। अगर आप चाहो तो जैसे आपने उसमें एक्स एक्सिस को लेबल और वाई एक्सिस को दिए थे, यहाँ पर भी आप दे सकते हो। एक्स लेबल पर सपोज मैंने लिखा ईयर, और वाई लेबल पर सपोज हमने लिखा यहाँ पर एवरेज सेल्स, राइट। सो व्हेन यू विल एग्जीक्यूट दिस, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर यहाँ पर देखो क्या मिल गए, लेबल। वाई लेबल हमने क्या दिया, एवरेज सेल्स, ये आ गया, और एक्स एक्सिस पर हमने लेबल क्या दिया है, ये क्या गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज आ रही है, 19.5, 20.0, 20.5। तो यहाँ पर आप अपना एक्स टिक्स या वाई टिक्स वाली आर्ग्यूमेंट मींस फंक्शन भी ले सकते हो। plt.xtix मैंने ले लिया, एक्स टिक्स पर मैंने जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो लिख दी, दैट इज ईयर, राइट। तो अब देखो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही है, राइट। ये सारा हम अपना लाइन चार्ट में पढ़ चुके हैं, अभी हमने सिर्फ ये करा। प्लीज नोट, क्या नोट करना है कि फर्स्ट सीक्वेंस गिवन इन द बार फंक्शन एक्स एक्सिस का होगा और सेकंड वाला आपका वाई एक्सिस। लेबल्स ऐड करना मैंने आपको बता दिया, एक्स लेबल और वाई लेबल। ठीक है, टाइटल आप ऐड कर सकते हो टाइटल फंक्शन के थ्रू, plt.title, और जो भी आपने टाइटल दे दो वो लिख दो, तो आपका टाइटल यहाँ पर आ जाए। नेक्स्ट देखो, अब हमारे जो बार्स हमने बनाए हैं, बार समझते हो ना क्या होते हैं, ये हमारा एक बार है, ये हमारा सेकंड बार है, ये हमारा थर्ड बार है, राइट। सो दीज आर योर बार्स। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है, दैट इज चेंजिंग बिट्स ऑफ द बार इन द बार चार्ट, कि आपका जो ये बार चार्ट है इसके जो बार हैं इसकी विड्थ को चेंज करना। अब देखो यहाँ पर तो सबकी विड्थ इक्वल है, बाय डिफॉल्ट आपकी बुक में मेंशन है 0.8 जो है बाय डिफॉल्ट विड्थ रहती है हर एक बार की। अब जब मैं इसको चेंज करूंगी तो मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे, क्या क्या दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं 0.8 के अलावा जो भी विड्थ दे रही हूँ, सपोज मैंने लिखा 0.5, तो वो 0.5 विड्थ सबकी आ जाए, या फिर मुझे हर एक बार की अलग अलग विड्थ भी दे सकती हूँ, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो बार चार्ट ड्रॉज ऑल द बार्स विद इक्वल विड्थ थी सबकी, और डिफॉल्ट विड्थ कितनी थी 0.8, बट वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ द बार एज पर आर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने बार की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसमें मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, फर्स्ट क्या है, स्पेसिफाई डिफरेंट विड्थ फॉर ऑल द बार्स, मीन्स डिफरेंट विड्थ फॉर ऑल द बार्स, मीन्स 0.8 के अलावा, मीन्स डिफॉल्ट विड्थ के अलावा कोई और विड्थ आपने देनी हो जो सभी बार के लिए सेम हो, वो आप दे सकते हो। कैसे दोगे, विड्थ आर्ग्यूमेंट है इसकी, प्लॉट वैल्यू कोई भी आप प्रोवाइड कर दो। स्पेसिफाई डिफरेंट विड्थ फॉर डिफरेंट बार, अब अगर आपके पास डिफरेंट बार हैं तो डिफरेंट विड्थ देनी है, उसको आप सीक्वेंस में लिस्ट टपल में लिख कर, राइट। नाउ सी दिस, एक बार दे करके देखें, इसको रीड आउट करेंगे नोट्स को। चलिए, सो यहाँ पर टाइटल देना चाहो तो दे सकते हो, यहाँ पर हम बार फंक्शन में मैंने लिखा लेट सपोज विड्थ इक्वल्स टू 0.6, ठीक है, तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करें। तो यू कैन सी हियर 0.6 विड्थ आ गई, बीच में गैप ज़्यादा हो गया, आप चाहो तो 0.4 लिख करके देखो, आपको और क्लियर होगा। फ्रेंड समझ में आ रहा है, अब ये हर एक जो जितने भी बार हैं मेरे पास तो हर एक की विड्थ कितनी आ रही है 0.4। अब उसमें एक चीज़ लिखी थी कि आपको फ्लोट वैल्यू देखनी, लेट्स ट्राई टू गिव एन इंटीजर वैल्यू, मैंने लेट सपोज लिखा यहाँ पर, चलो 2 लिख देते। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, विड्थ तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख करके देखूँ,
तो ये आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। इसलिए आपको क्या कहते हैं, वन से कम लिखो। हिस्टोग्राम क्या होता है हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट ये आपका फिलहाल हिस्टोग्राम बन गया अगर मैं विड्थ वन दे रही हूँ। इसलिए कहते हैं कि विड्थ आपको फ्लोट वैल्यू मीन्स वन से कम कम लिखो, बिकॉज बार ग्राफ में यही डिफरेंस होता है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में कि आपको बीच में डिफरेंस मिल रहा है, गैप, राइट। चलिए ये हो गया। अब अगर मुझे क्या करना है, सबकी विड्थ अलग अलग करनी है, तो यहाँ पर आपके कितने बार खड़े हुए थे, 1 2 3 4 बार थे ना, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, विड्थ इक्वल्स टू एक लिस्ट लिखी, मैंने लिखा 0.2 0.6 0.8 और सिर्फ 0.7 लिख दिया, लेट्स सपोज, या इसको भी मैंने ज़ीरो हटा दिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, 0.5 लिखो या 0.5 लिखो, दोनों चल जाएंगे, इसलिए मैंने आपको दोनों लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले की विड्थ कितनी थी, 0.2 सबसे कम है, ये आपका सबसे पतला सा बार बन गया, फिर 0.6, फिर 0.8 इससे ज़्यादा होगी, फिर 0.7, राइट। तो हर एक बार की मेरे पास क्या हो गई, डिफरेंट विड्थ हो गई। अगर मैं इसको टपल में दे दूँ तो क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, एग्जीक्यूट करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें लिखा सीक्वेंस में देना, चाहे आप टपल के फॉर्म में दो या लिस्ट के फॉर्म में दो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे पास आता है कलर चेंज करना, ठीक है, वो हम एक बार फटाफट से यहाँ पर रिवाइज करें। डिफरेंट विड्थ लेनी है, मीन सभी बार की सेम हो, 0.5 लिखा, हर एक बार की 0.5 विड्थ आ जाएगी, ठीक है। एक बार ये पॉइंट देखते हैं, व्हेन वी स्पेसिफाई अ स्केलर वैल्यू, स्केलर में सिंगल वैल्यू, यहाँ पर हमने एक सिंगल वैल्यू दी है फॉर विड्थ आर्ग्यूमेंट, देन दैट विड्थ इज अप्लाइड टू ऑल द बार्स ऑफ द बार चार्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और डिफरेंट देनी हो तो लिस्ट बना करके, या फिर आप इसको ट्यूपल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कितना गंदा ट्यूपल लिखा है ना, ठीक है, तो आप इसको ट्यूपल के फॉर्म में बनाकर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी ये वाली ब्रैकेट्स आ जाए, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर वाले पॉइंट्स देखो, विड्थ वैल्यूज आपकी फ्लोट वैल्यूज होनी चाहिए, रीजन मैंने आपको बताया, वन लिखते वो हिस्टोग्राम बन जाए। विड्थ सीक्वेंस मस्ट हैव विड्थ फॉर ऑल द बार्स, ये अगर आप ये वाला ले रहे हो ना, विड्थ सीक्वेंस ले रहे हो, लिस्ट टपल कुछ भी, अगर आपने सपोज एक की विड्थ नहीं दी, लेट सपोज आपके बार हैं कितने, 4, और आप विड्थ दे रहे हो 3, तो फोर्थ के लिए वो डिफॉल्ट विड्थ नहीं लेगा 0.8 वाली, वो आपको एरर देगा, वो कह रहा है कि भाई जितने तुम्हारे पास बार हैं उतनी विड्थ तुम लो, मीन्स उतने सीक्वेंस तुम लो, सॉरी सीक्वेंस में नहीं, उतने एलिमेंट्स उस सीक्वेंस में लो, समझ गए बात का मतलब, कि जितने बार्स हैं उतने यहाँ पर आप यहाँ पर विड्थ दोगे। द विड्थ्स गिवन इन द सीक्वेंस आर अप्लाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट वाली आपकी विड्थ फर्स्ट बार के लिए होगी, सेकंड वाली विड्थ सेकंड बार के लिए, इस तरीके से। अब आता है सेम कंसेप्ट मेरे पास कलर के लिए, अगर आपको कलर चेंज करना है, इसमें भी वही है, देखो डिफॉल्ट आपका ब्लू कलर से आ रहा है, अब सेकंड जब मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ब्लू के अलावा मुझे कोई कलर देना, लेट सपोज आई वॉन्ट टू गिव रेड कलर टू ऑल द बार्स, तो वो जो रेड कलर है हर एक बार में सेम है, सिंपल विड्थ की जगह हम क्या लिख देंगे, कलर इक्वल्स टू रेड या फिर आर लिख दोगे, और सभी बार के लिए डिफरेंट चाहिए, कलर इक्वल्स टू उसको सीक्वेंस करके दे दोगे, सेम चीज़ है, जैसे हमने विड्थ में किया वैसे आप इसमें करोगे कलर वाले में, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कलर, कलर की स्पेलिंग COLOR लिखना, ठीक है, COLOUR नहीं लिखोगे। यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया रेड, तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सभी बार्स का कलर आपका क्या आ गया, रेड आ गया। अब अगर आप यहाँ पर लिख दो लेट सपोज ब्लैक, पूरा लिख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, या तो आप कलर का कोड लिख दीजिए या फिर आप कलर का नेम लिख दीजिए, दोनों आपके करेक्ट। और अगर आपको सभी बार्स में डिफरेंट कलर देना हो तो आप यहाँ पर मिक्स भी लिख सकते हो, कलर कोड भी और नेम भी, सपोज मैंने लिखा ब्लैक एंड रेड, और फिर मैंने लिखा मेजेंटा के लिए M लिख देते हैं, ग्रीन के लिए मैंने ग्रीन कंप्लीट लिख दिया, 4 ही आई थिंक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। तो अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट वाले बार का कलर देखो क्या है मेरे पास, नाउ से दिस केयरफुली, यहाँ पे हमारा फर्स्ट बार ब्लैक, ये आपका ब्लैक हो गया, सेकेंड बार आपका क्या है रेड, तो ये आपका रेड कलर हो गया, थर्ड बार आपका क्या है मेजेंटा, तो ये आपका मेजेंटा हो गया, और लास्ट बार आपका क्या है ग्रीन, तो ये आपका क्या हो गया ग्रीन कलर, राइट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं अपने बार के,
वही सेम चीज़ लिखी हुई है जो भी हमने इसको एग्जीक्यूट किए, कि अगर आपको डिफरेंट कलर देना सभी बार के, डिफरेंट कलर से यहाँ पर मतलब है कि अदर देन द डिफॉल्ट कलर, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर हर बार के लिए नहीं, तो सिंपल कलर इक्वल्स टू या तो कलर का कोड लिख दीजिए या फिर उसका नेम लिख दो, स्पेसिफाई डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट बार, कलर का सीक्वेंस मीन्स कलर इक्वल्स टू करके लिस्ट या ट्यूपल के फॉर्म में आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कलर इक्वल्स टू आर, तो सभी बार का कलर क्या आ गया, रेड। सीक्वेंस में लिखोगे आर जी बी ब्लैक एम आ गया, बी फॉर ब्लू के फॉर ब्लैक। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेटिंग अलाइनमेंट, क्या अगर मुझे अलाइनमेंट सेट करनी है, अलाइनमेंट मीन्स कि आपके जो बार हैं वो किस उनकी अलाइनमेंट क्या होगी, तो अलाइन एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द बार्स इन द बार चार्ट। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट आपकी क्या है, सेंटर। फॉर एग्जांपल सी दिस, यहाँ पर ये 2019 इसका टिक है, ये 2020, तो ये जो बार बना है इसके बीचों बीच बना है टिक के बीच में, तो अलाइन का मतलब मीन्स अलाइनमेंट क्या होगा यहाँ पर, सेंटर। द पॉसिबल वैल्यूज अलाइन एट्रीब्यूट में आप सिर्फ दो वैल्यूज और लिख सकते हो, सेंटर और एज। सेंटर तो डिफॉल्ट है, एज आप लोग लिख सकते हो। एज लिखने पर ध्यान से देखना क्या होगा, यहाँ पर कलर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हटाना चाहो तो हटा सकते। अलाइन इक्वल्स टू सपोज हमने लिख दिया सेंटर, देखो सेंटर तो बाय डिफॉल्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ध्यान से कि भाई ये इसका टिक है और ये आपका जो बार ड्रॉ हुआ है ये इसके सेंटर में हुआ, राइट। अब अगर मैं अलाइनमेंट सेट कर रही हूँ, लेट सपोज एज, एज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कॉर्नर पे, किनारे पे जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है। तो व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस, तो व्हाट आई विल फाउंड कि हुआ नहीं क्या एग्जीक्यूट, तो अब ध्यान से देखना, अब इस देखो यहाँ पर ये टिका रहा है और जो ये आपका बार बना है ये 2020 के एज पर आ रहा है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो बार 2021, पहले यहाँ बीचों बीच आपका 2021 होता था, उसके अराउंड आपका बार ड्रॉ होता था, अब ये 2021 आपका कॉर्नर पे आ गया, वो एज से स्टार्ट हो रहा है बार, राइट। तो ये आपका क्या होता है, अलाइनमेंट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्रिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। अभी तक हमने जो ऐसे स्टैंडिंग फॉर्म में ड्रॉ किया, दीज आर योर वर्टिकल बार चार्ट, हम अपना हॉरिजॉन्टल बार चार्ट भी बना सकते हैं, वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वही सेम बार चार्ट, आपने सिर्फ बार की जगह फंक्शन क्या लिखना है, बार एच, बार ऐसे होएगा, बार एच होते वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। बार एच फंक्शन बार हॉरिजॉन्टल इज यूज टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। इसमें क्या होगा, जो आपकी एक्स एक्सिस थी वो आपकी वाई एक्सिस बन जाएगी और जो आपकी वाई एक्सिस थी वो आपकी एक्स एक्सिस बन जाएगी, राइट। नाउ सी दिस, हमने वही सेम एग्जांपल है, पी एल टी डॉट बार एच लिखा, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। राइट, और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के लिए आपको फंक्शन कौन सा कॉल करना है, बार एच। अब देखो वहां पर हमारी एक्स एक्सिस पर क्या था, ईयर था, यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर ये जो मिले हैं एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पर क्या आ गए हैं, ईयर, ये मुझे वाई लेबल में देना पड़ेगा, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, जैसे वो ईयर तो अपने आप ही लेगा, ठीक है। लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली, देखो अभी इसका आउटपुट ध्यान से देखना, अभी आपका कौन सा बार चार्ट है, हाँ वर्टिकल, ठीक है। अब मैं इसी को हॉरिजॉन्टल कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, यहाँ पर बार की जगह पर क्या लिख रही हूँ, बार एच लिख रही हूँ, टेबल फिलहाल मैं हटा दूँ, तो यहाँ पर वैल्यूज देखो 56 बहुत कम सी है ना, 40-55, तो इसको अगर मैं बढ़ा दूँ, हाँ हमने यहाँ पर लिख दी लेट सपोज 10 सॉरी यहाँ पर लिख दी 10 60 90 55 लेट सपोज ये वाली वैल्यूज, ये अभी भी ऐसे ही आ रहा है, तो हम इसको हटा दो और एक्सटिक्स हटा दें, चल
ये देखिए एक्सटिक्स गड़बड़ कर रहा था, ठीक है, एक्सटिक्स में मैंने वो लिख रखा था ना ईयर करके। चलिए अब हमारे पास देखो यहाँ पर 2023 और ये सब मैं अगर लिखना हो ना आपने एग्जैक्ट वैल्यूज की, तो अब वाई टिक्स लिखोगे एक्स के, ये वैल्यूज आपकी आ गई, ठीक है। कलर देना चाहो तो आप वो चीज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं, कलर इक्वल्स टू आर बी पी के और एक क्यान कलर, ठीक है। 1 2 3 4 है, ब्लैक हटा देते, चले नाउ सी हियर। अब देखो जो फर्स्ट वाला है आपका दैट इज 10 वैल्यू, वो सबसे नीचे है, राइट। फिर आते हैं मेरे पास 2021 के लिए दिस वन, आप चाहो तो मैं एक बार वाई टिक्स और दे देती हूँ PLT डॉट, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। वाई टिक्स पर मैं अगर क्या लिख दूंगी, वाई एक्सिस की वैल्यूज, दैट मीन्स हियर। अब देखो अभी एग्जैक्ट वैल्यूज ले रहे हैं 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है। तो 20 पर क्या आ गया 10, और उसके लिए कलर है हमारे पास रेड, फिर है ग्रीन, फिर है ब्लू और फिर ये क्यान कलर, राइट। तो इस तरीके से जो हम अपना हॉरिजॉन्टल बार चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस बार ग्राफ, आपका इस वन शॉट वन वीडियो में बार ग्राफ कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे के सारे कंसेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, माइंड में फिट बैठ गए होंगे। अगर ऐसा है, वीडियो पसंद आई है, कोई डाउट नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द हिस्टोग्राम, टिल देन keep watching, keep smiling, keep studying. Bye-bye.